फ्रेंड्स वेलकम वंस अगेन मैं असीम शुक्ला हूं और मैं एक सर्टिफाइड एनएलपी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूं। आज हम डिस्कशन करेंगे मूड स्विंग्स के ऊपर मूड स्विंग्स कभी कभी बहुत फ्रीक्वेंट हो जाते हैं और जब ये मूड स्विंग्स आ जाते हैं तब आपको नेगेटिविटी का एहसास हो जाता है आप जो है हंड्रेड अपने रिसोर्सेज का यूज़ नहीं कर पाते और अपना काम ढंग से नहीं कर पाते यदि आप स्टूडेंट हैं तो अपनी पढ़ाई ढंग से नहीं कर पाते यदि आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आप अपना काम ढंग से नहीं कर पाते हैं और बिजनेसमैन हैं तो तभी अपना सेल्स का टारगेट अचीव नहीं कर पाते और इस तरीके से धीरे धीरे जब आपका मूड चेंज हो जाता है नेगेटिव मूड आ जाता है तब आपकी 100% परसेंट रिसोर्सफुल स्टेट जो है वो ख़त्म हो जाती है फ्रेंड्स ऐसा अक्सर आ जाता है क्योंकि हम एंगजाइटी और फियर के एटमोसफियर में अपने आप को रखते हैं और उससे क्या होता है हमारा मूड स्विंग्स हो जाता है आज मैं डिस्कशन करूँगा कुछ ऐसे मेथड्स का जिससे आप इन मूड स्विंग से बच सकते हैं फ्रेंड्स सबसे पहले है कि मूड स्विंग होने के लिए आपकी बॉडी को स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है और बॉडी को ये स्वस्थ रहने की वजह से आपको अपने जो जो अगर आप जंक फूड खाते हैं तो आपको उनको अवॉइड करना पड़ेगा फ्रेंड्स ये जंक फूड जो है वो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं और जब हमारी बॉडी हंड्रेड जो है एक्टिव नहीं रहेगी और स्वस्थ नहीं रहेगी तो हमारे ब्रेन पर उसका असर पड़ता है और जो इलेक्ट्रिकल इम्पलसेज ब्रेन जनरेट करता है वो प्रॉपर नहीं होते उसकी वजह से हमारे मूड में स्विंग्स आते रहते हैं तो पहले तो ये है दोस्तों कि यदि आपकी आदत जंक फूड खाने की है तो उसको आप 100 परसेंट अवॉइड करिए और हमेशा जो है वो प्राकृतिक नेचुरल फ्रूट्स खाइए जो सब्ज़ियाँ खाइए ऐसी चीज़ें खाइए जिससे आपकी बॉडी हेल्दी रहे और इनर्जेटिक रहे जब आपकी बॉडी इनर्जेटिक रहेगी तो आपका ब्रेन जो है वो पॉजिटिव सिग्नल्स को जनरेट करेगा और आपकी स्टेट पॉजिटिव रहेगी दूसरी चीज़ है दोस्तों कि हमको जो है नेचर के साथ ज़्यादा जुड़ना पड़ता है नेचर के साथ जा जुड़ना पड़ेगा अभी तक हम लोग क्या होते हैं हम लोग की लाइफ बहुत सीडेंट्रिक होती है हम लोग बैठे रहते हैं कुर्सी पे कंप्यूटर पे देखते रहते हैं या टीवी पे देखते रहते हैं या मोबाइल पर देखते रहते हैं लेकिन हम आस पड़ोस में अपनी प्रकृति के बारे में ध्यान नहीं रख पा रखते हैं कि प्रकृति में क्या चल रहा है आसमान का कलर कैसा है बाहर हरे भरे पेड़ पौधे कैसे दिख रहे हैं हरी घास कैसी है हम कभी ना उस पर चलते हैं ना कभी उसके बारे में सोचते हैं क्योंकि हमने अपनी लाइफ स्टाइल ऐसी बना रखी है कि बस हम एक रोबोट की तरह चलते रहते हैं एक प्रोग्रामिंग मशीन की तरह चलते रहते हैं सुबह से शाम तक और हम नेचर के बारे में नहीं सोचते ना कभी उसके बारे में हमारा ध्यान ही जाता है क्योंकि सुबह से शाम तक हम अपने काम में इतने व्यस्त होते हैं कि हम यही नहीं देख पाते कि बाहर क्या चीज़ चल रही है तो फ्रेंड्स थोड़ा टाइम निकाल के हमें नेचर के बारे में थोड़ा देखना चाहिए उसको महसूस करना चाहिए अगर किसी को शौक़ है तो वो गार्डनिंग का भी शौक़ इस्तेमाल कर सकता है गार्डनिंग कर सकता है उससे आप पेड़ पौधों के निकट आएंगे आपको एक फ़्रेशनेस का एहसास होगा और उससे आपके बॉडी में माइंड में पॉजिटिविटी आएगी थर्ड चीज़ है दोस्तों कि आपको अपने माइंड में विजुलाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ऐसी कुछ क्रिएटिव एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी जिससे आपका माइंड पॉजिटिव हो जैसे अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप कुछ लिखिए यदि आप को गाने का शौक़ है तो आप गाना गाया करिए या कुछ कविता लिखने का शौक है तो आप कविता लिखिए या कहानी लिखना हो या कोई बुक लिखने का मन हो आपका तो उसका कोशिश करिए या अगर कुछ भी ऐसा नहीं है तो आप अपनी जीवन में अपनी लाइफ को कैसा चाहते हैं वैसा ही आप अपने एक फ़िल्म के अकॉर्डिंग उसको लिखिए और उसको एक डिटेलिंग करिए उसकी कि आप अपनी लाइफ में क्या क्या चाहते हैं और कब कब चाहते हैं और ऐसा करने से दोस्तों आप देखेंगे कि आपका माइंड ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव वर्क एक्टिविटी की तरफ लगेगा और आपके माइंड में एक एक विशेष एनर्जी का संचार होगा और ये एनर्जी दोस्तों पॉजिटिव एनर्जी होगी जो आपको जो मूड स्विंग्स आपके होते हैं उससे बचाने का पूरा आपको सहयोग करेगी फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं जो हमारे माइंड को थोड़ा दूसरी तरफ ले जाती हैं अभी हम लोग एक मैकेनिकल लाइफ जीते हैं और कभी इस बारे में नहीं सोचते बस जो मिला मन आता है जो जैसा भी मिलता है वैसा हम खा लेते हैं और अपनी लाइफ में हम कभी नेचर को नहीं देखते कभी जब हमारा साल दो साल मन करता है तब तो हम किसी वेकेशन पे चले जाते हैं और वो भी दो तीन चार दिन के लिए जाते हैं लेकिन अगर हम बस ऐसे ही दूर तक कभी बैठ करके देख लें कि अरे आज आज जो है आसमान कैसा है आस पड़ोस में नेचर पेड़ पौधे कैसे दिख रहे हैं जीव जंतु कैसे हैं पक्षियों के बारे में सोचें तो उससे हमारा थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट होगा और जब नेचर की तरफ़ देखने से थोड़ा सा हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी और हमारे ब्रेन में जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होंगे जिससे हमारा पॉजिटिव मूड होगा फ्रेंड्स आज मुझे बस इतना ही डिस्कशन करना था ये एक्टिविटीज़ करेंगे तो हमारे माइंड के जो फ्लक्चुएशनस हैं स्विंग्स हैं वो रुक सकेंगे और हम हमेशा जो है पॉजिटिव माइंड ऑफ स्टेट में रहेंगे पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे इन द लास्ट फ्रेंड्स आई वॉन्ट टू थैंक यू कि आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करिए शेयर करिए और आपके जो कोई कमेंट्स होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए मैं एन एल पी कोच हूँ और आपको आने वाले दिनों में एन एल पी की बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक्स बताऊँगा जिससे आप अपने सब कॉन्शियस माइंड को ट्रेन करके लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं थैंक यू वेरी मच